नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। नागरिकता कानून के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन देश विरोधी हो चले हैं। ये तो पहले ही साबित हो गया था जब इन प्रदर्शनों में देश विरोधी नारे लगाए गए थे। इससे ही साफ हो गया था कि ये प्रदर्शन देश को तोड़ने की मुहिम के तहत चलाए जा रहे हैं। बता दें कि दिल्ली का शाहीन बाग, जेएनयू और जामिया ने दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर घोर आतंक मचा रखा है। सड़कों को जाम किया जा रहा है और भयंकर हिंसक प्रदर्शनों की तस्वीरें तो आप देख ही चुके हैं। संविधान के तथा कथित रखवाले इस कानून को उसी संविधान से हटाने की मांग कर रहे हैं जिसका कि ये खुले मंचों से विरोध करते रहते हैं। जामिया के छात्र जहां एक तरफ सड़कों पर उतरकर देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देशद्रोह के आरोपी शर्जिल इमाम को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ एक पोस्टर सामने आया है। आप अपनी स्क्रीन पर जो पोस्टर देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। सूत्रों की माने तो शर्जिल इमाम के समर्थन में जामिया मिलिया इस्लामिया रैली निकालने के बाद जामिया के इन छात्रों ने ऐलान कर दिया है कि वो लोकतंत्र को नहीं अल्लाह को मानते हैं। इस तरह का एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसे फेसबुक पर स्टूडेंट ऑफ जामिया नामक पेज से पोस्ट किया गया है। इस पोस्टर में लिखा है कि ला इलाही इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह लोकतंत्र के खिलाफ है। इस पोस्टर को अलग अलग कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है। एक कैप्शन में लिखा है कि लोकतंत्र के सिद्धांत के विपरीत इस्लाम जोर देकर कहता है कि हक को मेजॉरिटी के साथ परिभाषित नहीं किया जा सकता। बता दें कि मुस्लिम समाज भारत में अल्पसंख्यक है और हिंदू यहां मेजॉरिटी में पाए जाते हैं, इसलिए ये पोस्टर हिंदू विरोधी भी है। बता दें कि इस तरह की हरकत पहली बार नहीं हुई है। इसके पहले भी शर्जिल के पास से ऐसे ही जहरीले पर्चे बरामद हुए थे। इन पर्चों को शर्जिल ने मस्जिदों में बंटवाया था, तो वहीं उसके घर से भी इन पर्चों को बरामद किया गया था। बता दें कि शर्जिल ने इन देश विरोधी पर्चों को अंग्रेजी और उर्दू में छपवाया था। पर्चों के कंटेंट की बात करें तो इनसे शर्जिल के खतरनाक इरादों के बारे में पता चलता है। पर्चों में लिखा है कि सीए असंवैधानिक है और ये मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बना देगा। साथ ही इन पर्चों में ये भी लिखा है कि मुस्लिमों को डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा और इसके साथ ही मुसलमानों में कई तरह के प्रोपेगंडा फैलाकर डर पैदा करने की कोशिश की गई है। बता दें कि इन पर्चों से शर्जिल ने मुसलमानों को भड़काने और युवाओं को सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक उसी तरह से शर्जिल समर्थक जामिया के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर अराजकता फैलाने के साथ लोकतंत्र को चुनौती देने का काम किया है। लोकतंत्र जिससे हमारे देश की पहचान होती है, देश विरोध के चलते शायद इन्हें ये समझ आना ही बंद हो गया है कि अगर लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो नागरिकता का आखिर ये क्या करेंगे, क्योंकि भारत की नींव ही लोकतंत्र पर टिकी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।